As the first phase of polling begins in Bihar, in the other end of the town, Congress leader Rahul Gandhi is addressing a public meeting in Darbhanga in North Bihar. Let's go live to Rahul Gandhi's meeting. किसान को सही दाम नहीं मिला। चौबीस घंटे अपना खून पसीना डाल दे, उसे अपने अनाज के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, क्योंकि एमएसपी और मंडी का सिस्टम बिहार में नष्ट कर दिया गया है। और वही काम जो 2006 में बिहार में किया गया, वही काम नरेंद्र मोदी ने अब पंजाब में, बाकी हिंदुस्तान में कर दिया। और इसीलिए पहली बार देखने को मिला कि प्रधानमंत्री का पुतला रावण का नहीं, दशहरे पर चलाया जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करेंगे, नीतीश जी प्रधानमंत्री भाषण करेंगे, नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार के बारे में बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे, मगर जो सवाल बिहार के सामने है, रोजगार के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये चुनाव लालू जी के परिवार का, मेरे परिवार का, नीतीश जी के परिवार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार की जनता के भविष्य का चुनाव है। और आप में इतनी भी तमीज नहीं है कि आप बिहार की जनता के सामने खड़े हो और बिहार की जनता जो सुनना चाहती है, अपने भविष्य के बारे में जो सुनना चाहती है, रोजगार के बारे में जो सुनना चाहती है, कारखानों के बारे में, शुगर मिल के बारे में जो सुनना चाहती है, उसके बारे में आप नहीं बोल सकते, मगर उल्टी सीधी बात आप बोलोगे। 15 साल नीतीश जी को आपने दिए, 6 साल नरेंद्र मोदी जी को दिए, क्या मिला? बिहार सबसे गरीब प्रदेश है, बिहार के युवा बिहार में रोजगार नहीं पा सकते। अच्छा, आज के हिंदुस्तान में बिहार छोड़ो, कहीं नहीं पा सकते, ना मुंबई में, ना बेंगलोर में, ना दिल्ली में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोजगारी खत्म कर दिया देश में। वो अलग बात है, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलूंगा, मगर बिहार का युवा बिहार में रोजगार नहीं पा सकता, बिहार के किसान को सही दाम नहीं मिल सकता, बिहार का छोटा व्यापारी है, मिडिल साइज बिजनेसमैन है, वो सपना नहीं देख सकता, मना है। बिहार में सपना देखना मना है। यह सच्चाई है। सपना देखना है तो बाकी हिंदुस्तान में जाओ, काम करना है तो मुंबई जाओ, और फिर जब आप मुंबई जाओगे, पंजाब जाओगे, फिर एक दिन नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आएंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको रद्द कर रहा हूं, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आप सब लाइन में खड़े हो, भूखे मर जाओ, प्यासे मर जाओ, मगर मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। ये जो माताएं आई हैं, जब नोटबंदी की, आप बैंक के सामने खड़ी थी ना, आप खड़ी थी, आपने अपना पैसा बैंक में डाला,
क्या काला धन गायब हो गया? नहीं ना, पैसा कहां गया? पैसा गया सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, नरेंद्र मोदी ने डाला। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का पुतला अकेला नहीं जलाया गया, इसीलिए नरेंद्र मोदी का पुतला जब जलाया गया, पंजाब ने कहा यह एक व्यक्ति नहीं है, यह एक शक्ति है, और इस शक्ति के पीछे दूसरी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? एक तरफ अंबानी, दूसरी तरफ अदानी। क्यों? क्योंकि जो गरीबों का है वो ये लोग चाहते हैं। आपका पानी, आपकी बिजली, आपकी जमीन, आपका भविष्य ये लोग चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी आपका भविष्य इन लोगों को देते हैं। कोरोना आया, बिना नोटिस दिए, दो दिन छोड़ो 15 मिनट नोटिस नहीं दिया, देश में कोने कोने में बिहार के मजदूर थे, कोई नोटिस नहीं दी। शाम को आते हैं, कहते भैया 22 दिन की लड़ाई है, लॉकडाउन हो रहा है, खाना मिले पीना, पानी मिले, खाना मिले, रक्त मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन तो 22 दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के मजदूरों ने, युवाओं ने मोदी जी के तरफ देखा, मोदी जी कहते भाई और बहनों मोबाइल फोन पकड़ो, इसकी लाइट चलाओ। भाई और बहनों कोरोना से लड़ाई है, थाली बजाओ। मतलब कौन सी दुनिया में है ये? बिहार के लाखों करोड़ों मजदूर, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई कर्नाटक से, भूखे प्यासे पैदल आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते 22 दिन की लड़ाई इससे लड़ाई है, 22 दिन की लड़ाई उन्होंने मजदूरों से की, कोरोना से नहीं मरे, भूख से मर गए, प्यास से मर गए। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा, नीतीश जी से कहा, ट्रेनों को चलने दीजिए, इनकी जेब में पैसा डालिए, मदद कीजिए इनकी, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। बिहार का युवा, बिहार का छोटा दुकानदार, बिहार के मजदूर ये देश की रीढ़ की हड्डी है, इनको बचाइए, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं, एक रुपया नहीं दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दिन भर में कहता रह गया, थोड़ा सा पैसा व्यापारियों को, थोड़ा सा पैसा किसानों को, मजदूरों को दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं दूंगा तो सिर्फ इन 3-4 अपने मित्रों को दूंगा। लाखों करोड़ रुपए उनका टैक्स माफ किया, मगर मजदूरों को, किसानों को एक रुपया नहीं दिया। और अब क्या हुआ? सारे के सारे छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, सब के सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए। आज ये देश रोजगार पैदा कर ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। पड़ोस के सारे देश हमसे आगे निकल गए, हिंदुस्तान पीछे रह गया, ये सच्चाई है। और आपको निर्णय लेना है, यह चुनाव बिहार के भविष्य का है। एक तरफ गठबंधन है, तेजस्वी जी हैं, मैं हूं, दूसरी तरफ बीता हुआ समय, नीतीश जी, मोदी जी, पुरानी बात है, आपने देख लिया बिहार में नीतीश जी ने क्या किया, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने क्या, मोदी जी ने क्या किया, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ क्या किया, आपने सब देख लिया।
वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कोई वायदे पूरे नहीं किए। हमने भी वायदे किए थे, हमने मनरेगा का वायदा किया, पूरा किया, कर्जा माफी का वायदा नीतीश किया, भोजन के अधिकार का वायदा किया था, पूरा किया। एक कमी जरूर है, मैं आपको बता देता हूं, साफ पहले ही बता देता हूं, एक चीज में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं वो हम नहीं कर सकते, मेरी बस की नहीं है। उस मामले में वो आगे हैं, मैं आपको यहां गारंटी देने आया हूं, मैं आपको एक गारंटी देने वाला देने आया हूं, गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार होगी, हर जात की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक की सरकार होगी और बिहार के भविष्य की सरकार होगी, और ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं इनकी सरकार होगी, किसी 2-3 उद्योगपतियों की सरकार हम नहीं चलने देंगे। काम होगा तो 2-3 उद्योगपतियों का, नहीं होगा काम होगा तो किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस का। बात करेंगे तो शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की, नीतीश के परिवार की बात नहीं होगी। आप दूर दूर से आए, इतना प्यार दिया आपने मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। प्रधानमंत्री भाषण करेंगे, मदन मोहन झा जी आए और धन्यवाद ज्ञापन दें, आदरणीय मदन मोहन झा जी। आदरणीय सम्मानित हमारे राहुल गांधी जी और सम्मानित मंच, साथ ही हमारे सामने आए हुए हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने देर से यहां खड़े हैं। मैं मिथिलांचल की तरफ से अपने नेता का